मंडल शिलाई के तिलोरधार से उत्तराखंड देहरादून को जोड़ती सड़क बदहाली के आंसू रो रही है। लगभग एक दर्जन पंचायतों के लोगों को हर रोज जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ रहा है। यही नहीं, हर रोज स्कूली बच्चे और बुजुर्ग इस रास्ते पर चलते हैं। यहाँ के किसान अपने खेतों में उगाई हुई टमाटर, लहसुन, प्याज, अदरक इत्यादि उत्तराखंड के विकास नगर पहुँचाते हैं। यदि विभाग समय रहते इस पर कार्रवाई करता तो पौंटा साहिब की दुर्लभ 8 पंचायतों व उपमंडल शिलाई की 4 पंचायतों के किसानों को राहत मिल सकती थी। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात से अभी तक विभाग की अनदेखी से सड़क पर कोई भी कार्य नहीं हुआ। अगर बात की जाए इस सड़क की तो तालाब की तरह बड़े बड़े गड्ढे नजर आते हैं। शिमा, छितली, बनोर, शिबा, पमता, गुइना, खतवार, शरीरी, दाबरा, सुनोग, रुदाना, भरली, नघेता, तारू भेला, राजपुर, अबोया डंडा आदि गाँव के लोग ये समस्या झेल रहे हैं। परेशान ग्रामीणों का मानना है कि अधिकारी मात्र ऑफिस में बैठकर कुर्सियां तोड़ रहे हैं। सड़क की अनदेखी की जा रही है। अगर गौर की जाए तो ये सड़क रोहड़ू पोंटा मार्ग से बिल्कुल शॉर्टकट विकास नगर पर देहरादून निकलती है, जिसका सीधा फायदा शिलाई व आंज भोज की 8 पंचायतों के लोगों को सीधा फायदा होने वाला है, जिससे किसानों के आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा, क्योंकि ये मार्ग रोहड़ू पोंटा मार्ग की तुलना में आधा सफर हो जाता है, जिससे किसानों को सीधा फायदा मिलना तय है। क्षेत्र के दोनों दलों के नेता वोट मांगने की राजनीति करते हैं। मायाराम शर्मा का कहना है कि क्षेत्र के दोनों दलों के नेता वोट मांगने की राजनीति करते हैं। प्रदेश सरकार इलेक्शन के दौरान कहा था कि क्षेत्र की सड़कें व किसानों की समस्याएं दूर की जाएंगी, पर जैसे ही प्रदेश में नई सरकार बनी, क्षेत्र के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। गरीब किसानों का सड़क का कार्य नहीं किया गया। लोगों ने अब केंद्र सरकार से जोरदार आग्रह किया है कि यहां के विभाग के कर्मचारी जो सोए हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें नींद से जगाकर इस समस्या का समाधान करने के आदेश दिए जाएं, ताकि यहां पर लोगों को जो समस्या हो रही है उससे निजात मिल सके। लोकसभा चुनावों के दौरान एक दूसरे नेताओं पर बयानबाजी का दौर जारी है। पीएम मोदी के द्वारा स्वर्गीय राजीव गांधी को लेकर की गई टिप्पणियों पर कांग्रेस ने कड़ा ऐतराज जताया है। हमीरपुर में प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने मोदी की बयानबाजी को भारत की सभ्यता और संस्कृति के विपरीत बताया है, तो प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को भी आहत करने वाली बयानबाजी करार दिया है, जिसे कांग्रेस कभी सहन नहीं करेगी। प्रेम कौशल ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी के ऊपर टिप्पणियां करना देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण तो है, साथ ही कष्टदायक भी है, इसलिए कांग्रेस इस तरह की टिप्पणियों की कड़ी निंदा करती है। प्रेम कौशल ने राहुल गांधी को पप्पू कहने के बयानों पर कहा कि प्रदेश में आजकल कानून व्यवस्था चरमा गई है, तो बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की हालत को अनदेखा करके मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को कोसने में लगे हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि जिन लोगों को आज सीएम पप्पू कह रहे हैं, उन्हीं के पास 23 मई को बधाई देने के साथ दूसरे कामों को करवाने के लिए उन्हें जाना पड़ेगा। हिमाचल में चुनाव नजदीक आ चुके हैं, ऐसे में चुनावों में तैनात होने वाले पोलिंग अधिकारियों को भी चुनाव से संबंधित प्रशिक्षण देने का कार्य आरंभ हो गया है। एसडीएम सोलन रोहित राठौर की अध्यक्षता में नौणी विश्वविद्यालय के सभागार में पोलिंग अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान प्रशिक्षण के प्रथम चरण में चुनाव क्षेत्र कसौली में तैनात होने वाले करीब 600 पोलिंग अधिकारियों को चुनाव करवाने संबंधित अहम जानकारियां दी गई। प्रशिक्षण के दौरान खास प्रबंध किए गए थे, जिसमें पहले सेशन में थ्रेटिकल रूप से प्रिसाइडिंग ऑफिसर APRO व पोलिंग ऑफिसर्स को एक साथ ट्रेनिंग दी गई। इस ट्रेनिंग का मुख्य रूप से अधिकारियों को नई हिदायतों के बारे में बताया गया। एसडीएम सोलन रोहित राठौर ने बताया कि नौणी विश्वविद्यालय के सभागार में पोलिंग अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। इस दौरान प्रशिक्षण के प्रथम चरण में चुनाव क्षेत्र कसौली में तैनात होने वाले करीब 600 पोलिंग अधिकारियों को चुनाव करवाने के बारे में अहम जानकारियां दी गई।
सोलन के देवघाट में चौथी मंजिल से गिरने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार यह व्यक्ति इंग्लैंड के जाने माने चिकित्सक थे और सोलन में अपने रिश्तेदार के यहाँ आए हुए थे। यह घटना तब घटी जब मृतक सुबह सुबह टहलने के लिए फ्लैट की छत पर गए हुए थे। जब वे काफी देर तक वापिस नहीं आए तो उनकी तलाश की गई और उन्हें पार्किंग में गिरा पाया। अधिक जानकारी देते हुए मृतक के रिश्तेदार ने बताया कि जब वे छत पर सुबह की सैर पर गए तो वे काफी समय तक नीचे नहीं आए तो उनकी तलाश की गई और वे पार्किंग में मृत हालत में गिरे हुए थे। इस घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, उन्होंने शव को कब्जे में ले लिया और शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मृतक की आयु करीबन 85 वर्ष है और वह इंग्लैंड के जाने माने डॉक्टर हैं।